हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अ रैपर क्लासेस. राइट, बिलीव मी अगेन दिस टॉपिक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं जावा में, तो हम ये कहते हैं कलेक्शन की क्लासेज जेनेरिक क्लासेज होती हैं, और जेनेरिक क्लासेज की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जेनेरिक क्लासेज में रिप्लेसमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है. तो ये सारी कहानी क्या मतलब है, क्यों हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए, हम ये कहते हैं जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करता है डेटा स्टोरेज के लिए. तो हमने जावा में कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात की है, लाइक विल डिस्कस अबाउट बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, राइट. लेकिन जब हम जावा में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक अगर मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 100, तो हम ये कहते हैं दिस ए इज अ वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 100. लेकिन मैंने आपको यह कहा है जब हम जेनेरिक क्लासेस की बात करेंगे तो वहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में. अभी हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है वेरिएबल फॉर्मेट में, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर किया है प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में, राइट. लेकिन यहां पर आप देखिए, जावा में हमें हर डेटा को दो तरीके से स्टोर करने के ऑप्शन मिलते हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां पर जावा ने मुझे हर डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास दी हुई है, और वो क्लासेज जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेज होती हैं, इन्हीं क्लासेस को हम जावा में कहते हैं रैपर क्लासेस. ओके, और रैपर क्लास को ही हम यूज करते हैं आगे कलेक्शन में ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, जेनेरिक क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए, जेनेरिक क्लासेस को डिफाइन करने के लिए. और आप देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपको इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स, प्रीमियम कोर्स हमारा टेक विद्वान की साइट पे अवेलेबल है. वहां पर जब आप देखेंगे इस टॉपिक को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैपर क्लास को लेकर, जेनेरिक क्लास को लेकर, कलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये तीनों सीक्वेंस के टॉपिक है, और वहां मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 वीडियोज में इस पूरे टॉपिक को कवर किया है. क्योंकि कलेक्शन के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए रैपर क्लासेस क्या होती हैं, राइट. तो आप देखिए यहां पे कि अब यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपसे बोला कि जावा में हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं जावा में, बाइट हमने पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट हमने पढ़ा है, इंट हमने पढ़ा है, लॉन्ग हमने पढ़ा है, फ्लोट हमने पढ़ा है, ठीक है, डबल और कैर और बुलियन. तो ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, जिनको हम कहते हैं रैपर क्लासेस. ओके, तो आप देखिए किस डेटा टाइप की रैपर क्लास का नाम क्या है, मैं आपको बताता हूं. बाइट की रैपर क्लास का नाम है बाइट, लेकिन बी कैपिटल लिखना है क्योंकि क्लास नेम है. शॉर्ट की रैपर क्लास है शॉर्ट के नाम से. इंट की रैपर क्लास का नाम है इंटीजर, ठीक है. लॉन्ग की रैपर क्लास आपको मिलेगी लॉन्ग के नाम से. फ्लोट की रैपर क्लास का नाम है फ्लोट. डबल की रैपर क्लास का नाम है डबल, ठीक है. कैर की रैपर क्लास का नाम है कैरेक्टर, ओके. और लास्ट वन बुलियन की रैपर क्लास का नाम है बुलियन, लेकिन बी कैपिटल के साथ. तो ये जावा में रैपर क्लासेस है. कहने का मतलब ये है कि जावा में हम डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं. अब आप देखिए यहां पर कि यदि मान लीजिए मैं यहां पर यह लिखता हूं बाइट या इंट की बात करें, अगर हम int a equal to 10, तो ये हमने क्या कहा है, this 10 is in the form of variable. लेकिन अगर मैं इसे स्टेटमेंट को लिखता हूं इंटीजर, ठीक है, यदि मैंने इसको लिखा है इंटीजर a equal to new integer, ओके, और यहां पर जब हम इसको असाइन करते हैं सपोज 10, तो ये हमने डेटा को स्टोर किया है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे. दैट इज व्हाट द डिफरेंस टू स्टोर द डेटा इन प्रिमिटिव फॉर्मेट एंड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. तो एक सिचुएशन जावा में ऐसी आती है जहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और वहां पर हम जावा में इन रैपर क्लासेस को यूज करते हैं. और इन सारी रैपर क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल वेरिएबल्स मिलेंगे, मैथड्स मिलेंगी, ठीक है. आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है. अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है. तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में हमने कवर किया है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में. आप जब देखेंगे वहां पे, तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर वहां पे मिलने वाले हैं, राइट. लेकिन यहां पर आप देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपको बताता हूं कि रैपर क्लास में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स मिलेंगे. तो आप देखिए, इन हर रैपर क्लास में आपको तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिलते हैं, एक साइज के नाम से, ठीक है, जो कि फाइनल वेरिएबल है
जो कि हर रैपर क्लास में है एक्सेप्ट बूलियन। बूलियन में ये वेरिएबल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से ये आपको रैपर क्लास में वेरिएबल मिलेगा। मिन अंडरस्कोर वैल्यू ये आपको रैपर क्लास में वेरिएबल मिलेगा, मतलब ये आपको इंटीजर रैपर क्लास में भी मिलेंगे, बाइट में भी मिलेंगे, शॉर्ट में भी मिलेंगे। तो इनका यूज क्या है और ये हर क्लास में कैसे वेरिएबल है, स्टैटिक और फाइनल। स्टैटिक है मतलब क्या, मैं इनको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकता हूं। फाइनल है मतलब इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, राइट। तो आप देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, बाइट के साथ में, कि यदि मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि बाइट, प्रिमिटिव बाइट कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, राइट। तो कभी भी आपको किसी भी डेटा टाइप की मेमोरी साइज पता करना है तो यहां पर आप उसकी रैपर क्लास को लिखिए बाइट डॉट साइज, है ना, रैपर क्लास का नाम और डॉट वेरिएबल का नाम। तो यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा 8, इसलिए क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट होती है बाइट की वो एक बाइट की होती है और एक बाइट मतलब 8 बिट। तो यहां जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा बिट में, तो यू विल गेट एन आंसर 8 बिट। सिमिलरली यदि आपको ये पता करना है कि इसकी मैक्सिमम साइज कितनी है तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाइट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो यहां पर अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा 127, जो कि बाइट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और यदि मैं लिखता हूं यहां पे बाइट डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू तो यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा -128, जो कि बाइट की मिनिमम वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट की रेंज पता करना है, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, तो बाकायदा आप इन वेरिएबल को उन रैपर क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली रैपर क्लास को हम क्यों यूज करते हैं जावा में। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट आएगा कलेक्शन में, ठीक है, कि जब आप कलेक्शन की क्लासेस को देखेंगे तो वहां पर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सो दैट वी विल गो फॉर दिस रैपर क्लासेस, वहां पर हम रैपर क्लास को यूज करेंगे क्योंकि वो जेनेरिक क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी कलेक्शन तक थोड़ा सा वेट करिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि रैपर क्लास का कलेक्शन में क्या यूज है, ओके। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं, देखिए बहुत सारी मैथड्स हैं, देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल, लॉट ऑफ एप्लीकेशन जो कि हम रैपर क्लास को लेकर बना सकते हैं। तो आप प्लीज एक बार हमारे प्रीमियम कोर्स को देखिए, वहां पर आपको इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, राइट। यहां पर मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रैपर क्लास एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं जावा में, राइट। अब आप देखिए, एक और इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको मैक्सिमम हर रैपर क्लास में मिलेगी और वो है पार्सिंग की मेथड। पार्सिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने कोड लिखा है, राइट। मान लीजिए अगर मैंने कोड लिखा है जहां पर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि जब हम जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको कुछ वैल्यू पास करेंगे, राइट। कि मान लीजिए अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो ये जो हम लिखते हैं ना स्ट्रिंग args, इसका मतलब ये है कि आप जावा के इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप कमांड लाइन से कुछ वैल्यू पास करेंगे। लाइक अब मैंने मान लीजिए बोला कि ये मान लीजिए प्रोग्राम है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो हम क्या लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, राइट। लेकिन अब सेकंड स्टेप में हम इसको रन करेंगे तो जब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहा हूं तो मैंने वैल्यू दी है 50 और 20। तो ये जो 50 और 20 है एक्चुअली ये वैल्यू आपने पास की है कहां से, कमांड लाइन से, ये कहलाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ये जो आपने वैल्यू पास की है कमांड लाइन से, ये वैल्यू जाके यहां पर किसको असाइन होगी, args ऑफ 0 जिसकी वैल्यू होगी 50 और args ऑफ 1 जिसकी वैल्यू होगी 20। अब मुझे मैंने बोला इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो यदि मान लीजिए आप इसको ऐड करने के लिए यहां पर इस तरीके से लिख देंगे system.out.println args ऑफ 0 प्लस args ऑफ 1, तो आपको रिजल्ट 70 नहीं मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्ट 5020। वो इसलिए क्योंकि यहां जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो अरे है ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट का अरे है, तो आपको जो रिजल्ट मिला है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिला है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे इसको एक्चुअली इंट में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग को, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पार्सिंग कहलाती है। अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय पार्सिंग। तो पार्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर में एक्चुअली। तो यहां पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सपोज करिए इंटीजर में, तो मैंने क्या किया, यहां पर हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहां पर मैंने ये लिखा है, देखिए आप इंटीजर नाम की रैपर क्लास में आपको एक मेथड मिलेगी पार्स इंट, पार्स इंट। इस पार्स इंट को हम यहां पे क्या पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट 0।
ठीक है, तो जब आप इसको आर्ग्यूमेंट जीरो पास करेंगे तो अब आपको ए में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 50 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। सिमिलरली अगर आपने लिखा है इंटीजर डॉट पार्स इंट ए आर जी एस ऑफ वन, तो यहां पर आपको जो सेकेंड वैल्यू मिलेगी वो बी में मिलेगी 20। और अब आप बाकायदा यहां लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो यू विल गेट द रिजल्ट 70। अब आपको रिजल्ट मिलेगा 70। तो ऐसी मल्टीपल मेथड आपको इन रैपर क्लासेस में मिलने वाली है। बिलीव मी, जो कोर्स हम लोगों का प्रीमियम कोर्स है, आप एक बार जब उसको देखेंगे, ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे कम से कम 15 टू 20 एग्जांपल्स के साथ में मैंने पूरी रैपर क्लास को वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये भी आपको पार्स इंट मेथड मिली है इंटीजर रैपर क्लास में। ऐसी ही बाइट में जो मेथड है उसका नाम है पार्स बाइट, फ्लोट में जो मेथड है उसका नाम है पार्स फ्लोट, पार्स डबल जो डबल में है, पार्स लॉन्ग जो लॉन्ग रैपर क्लास में है। तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस न्यूमेरिकल स्ट्रिंग इनटू अ नंबर, सो वी विल गो फॉर दिस पार्सिंग मेथड। पर यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पार्स मेथड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करती है। अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप इसको कमांड लाइन से वैल्यू पास कर रहे हैं लेकिन आपने 50 20 की जगह यहां पर लिख दिया, 50 तो दिया लेकिन सेकेंड वैल्यू आपने दे दी हेलो। अब आपने तो स्ट्रिंग से ही पास की है लेकिन जब 50 को आपका प्रोग्राम नंबर में कन्वर्ट करेगा तो ये कर देगा, लेकिन जब हेलो को कन्वर्ट करने जाएगा क्योंकि आपने सेकंड वैल्यू दी है हेलो, तो यहां पर ये एक्सेप्शन दे देगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि उसको जो स्ट्रिंग मिल रही है दैट स्ट्रिंग इज नॉट एक्चुअली अ नंबर। तो यहां पर जो एक्सेप्शन आपको मिलेगा वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सेप्शन को आपको मैनेज करना है तो यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट कोड इन ट्राई कैच ब्लॉक, फिर आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इस पूरे एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि जब आप रैपर क्लास को यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्शन कौन से आ रहे हैं, पार्सिंग मेथड क्या होती है, अनपार्सिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि मान लीजिए मेरे पास एक प्रिमिटिव वैल्यू है, ठीक है, अब इस प्रिमिटिव वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं ऑब्जेक्ट में तो मैं क्या लिखूंगा, ये डेटा मेरे पास प्रिमिटिव फॉर्मेट में है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, लेकिन मैं यहां पर बना रहा हूं इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या लिखा, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, और इसमें आपने इस ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो क्या होगा यहां पे, आपकी जो प्रिमिटिव वैल्यू है दैट विल कन्वर्ट इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो यह कहलाता है बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ओके, तो जब भी एक प्रिमिटिव को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, ये कहलाता है बॉक्सिंग। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, कि अब मैंने बोला कि चलो अब मेरे पास आई में जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है लेकिन इसको मैं दोबारा बी में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा बी इक्वल टू आई। ठीक है, यदि मैंने इस तरीके से लिखा बी इक्वल टू आई तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अगेन कन्वर्ट्स इनटू प्रिमिटिव, तो यह कहलाता है अनबॉक्सिंग। तो एक प्रिमिटिव का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना बॉक्सिंग कहलाता है और ऑब्जेक्ट का प्रिमिटिव में कन्वर्ट होना अनबॉक्सिंग कहलाता है। तो यहां पर आप देखिए, इसमें भी कई क्वेश्चन बनते हैं, बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है, अनबॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप एक बार उस प्लेस पे रेडी कोर्स को बिल्कुल देखिए, क्योंकि क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक अगर पहुंचना है तो आपको प्लेसमेंट रेडी होना पड़ेगा, आपको उन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि टॉप एमएनसीज में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे जो कि टॉप एमएनसीज के रिटन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और ऐसे सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है समझ में आया होगा आपको, कि व्हाट डू मीन बाय बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कि इन रैपर क्लास को यूज करके हम और क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला। तो अभी आप देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक कलेक्शन है, मान लीजिए अरे लिस्ट, अरे लिस्ट एक कलेक्शन की क्लास है, इस कलेक्शन की क्लास को हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, देखिए अरे और अरे लिस्ट इन दोनों में डिफरेंस है, अरे को हम यूज करते हैं तो एक फिक्स साइज का अरे होता है, कि अरे को जब आप यूज करते हैं तो ना अरे में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अरे की साइज फिक्स होती है। तो जावा यहां पर यह कहता है कि रादर देन अरे आप अरे लिस्ट को यूज करें। तो अगर मैं अरे लिस्ट को यूज करूंगा तो मेरे पास एक क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा अरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब इसमें मैं डेटा एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर जब हम अरे बनाते हैं तो अरे का तो टाइप बताते हैं इंट के साथ, कि हम कुछ इस तरीके लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू न्यू इंट,
और आपने लिख दिया 10, या आपने जावा में अरे बना दिया, तो आपने ये तो बता दिया कि अरे का डेटा टाइप इंट है, लेकिन आप बोल रहे हैं अरे को रिप्लेस करना है अरे लिस्ट से, तो अरे लिस्ट का टाइप कैसे बताएंगे? मतलब मैं ये कैसे बताऊंगा कि इस अरे लिस्ट में मुझे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा ऐड करना है? तो यहां पर आपको यूज करनी पड़ेगी रैपर क्लासेस को। तो एक्चुअली इस अरे लिस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन ना करके हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अरे लिस्ट, और यहां पर आपने लिखा इंटीजर, अरे लिस्ट इंटीजर ऑफ ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट जो है आप समझने की कोशिश करिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बता रहा है हमें, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने अरे लिस्ट का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है इंटीजर। तो जब भी हमें जावा में किसी ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस को। तो देर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस रैपर क्लासेस, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट इंटीजर का भी हो सकता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, डबल का भी हो सकता है। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं अरे लिस्ट क्लास जो है वो जेनरिक क्लास है। जेनरिक मतलब एक ऐसी क्लास जिसका प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, जिसको आप अपने हिसाब से टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो जेनरिक क्लास को लेके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैपर क्लास को लेके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअली रैपर क्लास क्या होती है। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास जावा में होती है और वही कहलाती है रैपर क्लासेस। लेकिन क्या स्ट्रिंग जावा में रैपर क्लास है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। केवल रैपर क्लास हम उन्हीं क्लासेस को बोलेंगे जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके पहले एक बार और चलते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप और ये उन डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस, एंड दिस इज कॉल्ड रैपर क्लासेस इन जावा। तो इनमें आपको मेथड्स मिलेंगी, वेरिएबल्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो आप प्लीज आइए प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, और वहां पर हम फिर से एक बार इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में बात करेंगे, टॉप एमएनसीज के क्वेश्चंस के साथ इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बात ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।